जाने भाई ये नहीं जाने महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। बिहार के जहानाबाद में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक पत्नी विदेश से लौटे अपने पति के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हुआ ये कि पति की वापसी की खबर सुनते ही जब महिला मायके से ससुराल पहुंची तो पति ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला वहीं धरने पर बैठ गई और पति से हाथापाई करने लगी, जिसके बाद जहानाबाद में जब भी सड़क फैमिली ड्रामा शुरू हुआ तो देखने वालों की भीड़ लग गई। आप मुंह बंद रखिए। तू चुप रह। हम अपने शोहर से बात कर रहे हैं। हम अंदर फेंक देंगे। क्या भी है बात है, अंदर कैसे? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? एक तरफ पत्नी जो ससुराल आने के लिए बेताब थी तो दूसरी ओर पति तलाक लेने के लिए उतावला दिख रहा था। मामला नगर थाना क्षेत्र के एरकी गांव का है, जहां चार साल बाद जब एक पति विदेश से लौटा तो पत्नी को घर में रखने से इनकार करने लगा। इससे गुस्साई पत्नी और पति के बीच जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है महिला की शादी दानिश इमाम से 2019 में हुई थी। निकाह के 11 महीने बाद दानिश विदेश चला गया और महिला मायके में रहने लगी। वहीं जब दानिश विदेश से लौटा तो पत्नी अपना सामान लेकर ससुराल आ गई, लेकिन दानिश आते ही पत्नी से तलाक की बात करने लगा, जिसके बाद महिला वहीं धरने पर बैठ गई। इधर मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद भी हंगामा नहीं थमा। पुलिस ने दोनों को थाने चलने की बात कही, लेकिन थाने जाने से पहले ही पति वहां से फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने अपने पति को जबरन रोक लिया। हालांकि महिला मामले को पंचायत में सुलझाने की बात पर अड़ी रही, लेकिन बाद में पुलिस दोनों को समझा बुझा कर थाने ले गई। हम क्या आपको बोल रहे हैं, टाउन थाना आइए, वकील के साथ जाएगा। नहीं, हम ले रहे हैं। महीना जो मेरे साथ किया है उसको भूल गए। पंचायत फैसला करेगा, पंचायत पुलिस नहीं करती। बुलाया किसने? पुलिस बुलाया किसने? आपको बुलाया किसने? हाँ बोलेंगे बोलेंगे, पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट मिलेगा। वो नहीं बोलेंगे, मैं बोलूंगा। नहीं करना चाहिए। आपको कॉल आया ना, आपको कॉल आया ना, आपका ड्यूटी आपका फर्ज है ले चलना था। आप एक बेटी भी है, ठीक है, बेटी भी खड़ी है। इंसाफ एक, इंसाफ एक लेना आपको कहते हैं। चलिए तू चुप रह, हम अपने शोहर से बात कर रहे हैं। अंदर फेंक देंगे। क्या भी है बात है, अंदर कैसे? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? रिकॉर्डिंग करो। उससे बोला क्यों नहीं बोलेगा? हमारे रिश्ते के बीच क्यों आया? लड़का हमारे रिश्ते के बीच क्यों आया वहाँ? अरे हम उससे शादी किया है, हम 11 महीने से। वो लड़का क्यों मेरे रिश्ते में आया बता मुझे। दानिश मामला यही था कि एक लेडीज के एक एरकी का दानिश इमाम का शादी हुआ था, नोडीहा शादी हुआ था। चार साल हो गया शादी किए, लेकिन लड़का रहता था बाहर। लड़का आया बाहर से, वो बोलता था लड़का कि हम आएंगे तब आओगी। तो वो लड़की आई तो लड़का जो है हाथ पकड़ के निकाल दिया, हाथ पकड़ के निकाल दिया। कोई मीडिया वाले को कॉल किए, मीडिया वाले आए, प्रशासन को मैंने कॉल किया, प्रशासन वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि कौन कॉल किया, मेरे सामने आइए। तो हम बोला हमने कॉल किया है। लड़का बोला कौन कॉल किया है? तो वो लड़का पूछ रहा है कौन कॉल किया है। ये साबित देते हैं कि ये कॉल किया है,
इसका मतलब मीडिया साहब मिले हुए हैं, प्रशासन मिली भी है, प्रशासन मिली के कारण लड़का जो है प्रशासन के सामने, वो वकील उनका भाई है, उनके सामने भाग गया, प्रशासन देखती रह गई। इसका मतलब प्रशासन जो है पैसा लेके छोड़े हैं, वो सामने लड़की जो है वो पकड़ रही है लेकिन प्रशासन के सामने वो भाग गया। ये प्रशासन की गलती है। अरे कहाँ का मामला था? खेरकी का मामला है, वार्ड नंबर 27 का मामला है। ये सूचना मिला था लड़का लड़की की बात का। अच्छा, अब यहाँ आए तो तीसरे बात है, छोड़ दिया है। लड़की कहती हम इतना साल से रह रहे हैं, हम अपने यहाँ आ रहे हैं तब लाएंगे तुमको, आ रहे हैं तब लाएंगे तुमको। हाँ। यही चीज को तो सूचना मिला है। क्या लड़का वाला नहीं रख रहे हैं? लड़का वाला लड़की को नहीं रख रहा। अच्छा, तो कितना दिन से इन लोग का मामला चल रहा है? अब तो लड़की ने बताई उतना। अच्छा, तो लड़का भी भाग गया? क्या क्या भागा? नहीं, थाना पर गया है लेके। थाना पर गया है? हाँ। अपने गाड़ी से लेके जाते थे आपको? तो अब क्या होगा? गाड़ी से चल गया था। अच्छी बताइए, अब क्या होगा इसमें? पुलिस क्या थाने पर लेके जा रहे हैं? अच्छा, क्या कार्रवाई होगी? अब क्या कार्रवाई होगा? वो तो थाना। अच्छा, लड़की वाले पक्ष लगा रहे हैं कि लड़का भाग करेगा कि क्या करेगा, वो तो थाना पर ना होगा। अच्छा, लड़की पक्ष के लोग लगा रहे हैं कि भाग गए आप लोग के सामने, पुलिस के सामने भाग के। तू तो गलत बात बता रहा है। भागा नहीं है? जब से शादी हुआ है ना लड़के से बात करता है, ना इसको फोन देता है, ना फोन पर बात करता है, ना खर्चा देता है, ना पानी देता है, कुछ नहीं देता। अगर हम लेकर गए तो हाथ पकड़ के निकाल दिया बाहर। आज भी आए तो ही बात देखने की, लड़की को पकड़ के बाहर कर दी। कुछ देने का नाम ही नहीं लेता, ना फोन में बात करता है, ना हमसे। अभी बोले थे ये कि बकरी, हम ईद में आने को थे, ईद में नहीं आए। बोले बकरीद में आओगे, हम आएंगे तो लड़की को आप लेके आएंगे। हम लड़की को लेकर के आए, अभी मालूम हुआ हमको, हम उड़ीसा में रहते हैं, अभी मालूम हुआ जनवरी में। हमको बोले कि हम आ जाएंगे तो आप आइएगा, हमको मालूम हुआ कोई गांव वाले से। तो हम लेके लड़की को आए कि तो घर से बाहर निकालना पकड़ के लड़की को। हम ड्राइवर थे, हम लड़की के मेरे सामने, तुम लड़की को छोड़ दे, तुम तलाक दे दो मेरे सामने। बाहर निकाल दिया? हाँ, हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। क्या कहता है? हम नहीं रखे, हम ड्राइवर दे दिया। अभी तुम सामने से झूठ बोलता। हम बोला कि मुसलमान में तलाक सामना सामने होता, निकाह सामने सामने हुआ तो तलाक सामना सामने होगा। हम उसको बोला कि ठीक है तुम इसको छोड़ दो। आज हम आए, हम बराबर आते, इन लोग हमको निकाल देता है। कितना दिन से बैठे हुए यहाँ पे? यहाँ पर करीबन 2-3 घंटा हो गया। 3 घंटा हो गया। मेरे शौहर, हम जब गए सास को सलाम किया तो सास ने जवाब दिया कहीं सहवार आई हो। उसके बाद शौहर फोन पे बात कर रहे थे, किचन में पता नहीं क्या कर रहे थे। वहाँ से जब निकल के आए तो वो मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम किस लिए आई हो? हम बोले क्यों, अपने घर आए हैं। तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे और मुझे घर से बाहर निकाले और कहे कि मैंने आपको पेपर भेज दिया, जबकि वो झूठ बोल रहे हैं। इसकी शिकायत थाने में नहीं की है? नहीं, हम तो फैमिली में सुलझाना चाहते हैं। हाँ। फैमिली में सुलझाना चाहते हैं। अच्छा, अभी तक फैमिली ही लेके चल रहे हैं। तो फैमिली वाले क्या बोले? फैमिली मतलब ये समाज, सोसाइटी के लोग। हाँ, सोसाइटी लेके चल रहे। सोसाइटी के लोग क्या बोले? सोसाइटी वाले कह रहे हैं कि क्यों नहीं, क्या वजह है बताओ। तो वो मुझे कहते हैं कि तुम्हारी बदतमीजी की वजह है। अच्छा। तुम इतना बोलती हो बोल करके, इसलिए। तो आप बोलिए, जिसके घर जिसके साथ इतना जुल्म होगा क्या वो इंसान चुप रहेगा? किसी की भी बेटी रह के साथ ऐसा किया जाए? अब आप क्या चाहती हैं? मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, हर हालात में रहना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ 4 साल 2 महीना 11 दिन मेरे इनके से निकाह किए हो गया है। तो मैं और जो मेरे साथ इन्होंने बेगैरती की 11 महीना, उन सब के साथ मैं 4 साल अपना बर्बाद किया, मैं आगे नहीं बर्बाद करना चाहती, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ।